जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जादो दुनिया जादो 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 दुनिया जादो जादो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद है मलिया गिलानी और हमारे साथ मेरे फेवरेट तज्जिया निगार जनाब मियां सैफुर रहमान साहब। किसी भी रियासत में तीन और ख़ास तौर पे डेमोक्रेसी या जमहूरियत को इस्टेब्लिश करने के लिए तीन इदारे काम करते हैं और ये एक सिस्टम के थ्रू एक चीज़ चलती है। सबसे पहले वो जो कानून बनाने वाले इदारे होते हैं, फिर हमारी हुकूमत आती है और फिर उसके बाद हमारी जुडिशरी आती है। 9 मार्च का दिन इसलिए अहम है कि इस दिन हमारे चीफ जस्टिस ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था एंड ही ऑल्सो सेड कि मैं किसी मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ या उसके हुक्म पर अपना इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तो अब इस एक साल फिर वो दोबारा री इंस्टेट भी अवाम की कोशिशों से वकला की कोशिशों से और ये जो तहरीक थी ये कामयाब भी हुई। तो इस बारे में हम बैरिस्टर मियां सैफुर रहमान साहब से बात भी करते हैं। जी सैफुर रहमान साहब, मीडिया के लोग बैरिस्टर्स ही बन गए वैसे आपने बड़ा अच्छा अंदाज़ किया ऑनररी डिग्री मीडिया वालों को लगा रहे बैरिस्टर और वकील आ गए। मलिया ने आपको ऑनररी डिग्री देने की कोशिश की, ऑनररी मीडिया ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ लॉ दे दिया। हां जी हां जी, देखिए जी ये तो तहरीक जो है सारी दुनिया के सामने है। बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की साख में इजाफा हुआ है कि लोग समझते थे कि हम शायद अब वो सिविलाइज सोसाइटी नहीं रहे, कि हमारे यहाँ एक डिक्टेटर का दौर है और डिक्टेटरशिप जो चाह रही है वो अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन इसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का पर्सनल जो किरदार है वो काबिले स्ताइश है कि उन्होंने इतनी बड़ी माइट मिलिट्री माइट के सामने खड़े होकर इनकार किया, जो ये बड़ा बड़ा मुश्किल काम था। हिस्टोरिकली कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइट द स्टेट, जी आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। बट आई थिंक दिस वाज अ लिविंग एग्जांपल के वन पर्सन टुक अ स्टैंड ऑन अ राइटियस इशू, स्टेट के लिए फाइट किया, वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं खड़े हुए। सही, लेकिन स्टेट और गवर्नमेंट को आपस में आप वो गठबंधन ना करें। सही सही सही, ये वो गवर्नमेंट जरूर थी लेकिन स्टेट की नुमाइंदा गवर्नमेंट तो वो होती है जिसके पीछे पॉपुलर विल हो, सही, लोगों का सपोर्ट हो, पब्लिक मैंडेट हो। तो वो तो गवर्नमेंट ऐसी थी जिसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं था लेकिन पब्लिक मैंडेट को मैन्यूवर किया गया था, एक किंग्स पार्टी बनाई गई और उसमें अपना मिलिट्री माइट को, यानी उनका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो था जिंदा रहने का, जो उनकी जो ताकत फंडामेंटल्स में इश्यू थे, वो ड्रॉ नहीं, वो पार यानी अवाम से पार ड्रॉ नहीं करती थी वो। कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ लाहौर में, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मॉडल टाउन के रेजिडेंशियल एरिया में, बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो गई। तकरीबन 13 अफराद जो हैं अभी तक की जो खबरें आई हैं उस वो शहादत पाई उन्होंने और तकरीबन 90 के करीब जो है 93 के करीब जख्मी है। एक बहुत बड़ा सानिया, एक पैच पीस का सिक्योरिटी का आ गया था। हुआ जी। हाँ जी, एक अमन का एक दौर आ गया था और लोग दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में जा रहे थे। एक दफ़ा एक मरतबा फिर एक झटका लगा और दहशत गर्दों ने अपनी मौजूदगी का एहसास दोबारा शिद्दत से दिलाया। और इसके बारे में मियाँ साहब, मॉल टाउन एक ऐसी जगह है, रेजिडेंशियल एरिया, बड़ा पुराना इलाका है लाहौर का, और इसमें पहले भी पिछले साल भी ये उसी की कुर्ब जवार में हुआ था, 2008 में हुआ। और फिर लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है सैफ साहब कि ये रेजिडेंशियल एरिया है और जिन लोगों को ऑफिस है वो कह रहे हैं साथ कि हमने बाकायदा बहुत दफा कहा है कि इस जगह से हसास इदारे का जो ऑफिस है वो मूव कर दिया जाए। ये कर्नल कारदार साहब हैं जो सोसाइटी के इंचार्ज हैं और उन्होंने एक लेटर भी लिखा और उन्होंने उसकी कॉपी भी दिखाई मीडिया को कि जी मैंने जब लास्ट टाइम भी हुआ था मैंने लेटर तो और भी बड़े लोगों ने लिखे हैं। हाँ, वो भी अखबारों में भी आया है। हाँ, बहुत से डिमांड्स आते रहे इनके, रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे हिसास इदारों के दफातर नहीं होने चाहिए। अब ये से हकीकत चलो मान लेनी चाहिए कि अब ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ये उनका हदफ बने हुए हैं दहशत गर्दों का, क्योंकि वो अपना इंतकाम तो लेंगे वो इस चीज का जब तक वो मुकम्मल हमारे यहाँ अमन नहीं हो जाता। जब 2008 में ब्लास्ट हुआ और एग्री हो गया कि जी रेजिडेंशियल एरिया से इस तरह के एहसास इदारों के तमाम दफातर मुंतकिल, एक डिसीजन ले लिया गया, अब जो ये हुआ है हु इज अकाउंटेबल फॉर इट? नहीं देखें आप किस चीज का, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी है? जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ है तो नहीं होनी चाहिए तो एक बड़ी ब्रॉड सी स्टेटमेंट है, वो तो बहुत कुछ होना चाहिए, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो आपने मार खा के सीखी, एक दफा एक इंसिडेंट हो गया
और सबको पता चला उसमें भी बहुत सी जानें जाया हुई, मासूम जाने, बेगुनाह जाने। और किसमें मजे की बात यह है कि कल हमारे आईजी पंजाब ने यह इंकशाफ किया है कि वफाकी हुकूमत ने हमें 8 दहशत गर्दों के दाखिले की इत्तला दी थी। इत्तला दी थी, सही। यानी कि इत्तला आपके पास पहले से मौजूद है, वो तो ट्रेस करना है। हाँ जी, हाँ जी, तनकीद कर लेना तो बहुत आसान है, सही। क्योंकि वो जो खबरें आती भी है इंटेलिजेंस के पास, वो इस तरह नहीं होता कि मुकम्मल हुलिये भी आ जाए। ट्रेस करना आई कैन अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल होता है, और कई केसेस में सक्सेस, और बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें सक्सेस होती है वो सामने ही नहीं आता। और ये तो आस्तीन के सांप है, लेकिन कहां बैठे हैं वहां से अचानक निकल आते हैं। लेकिन ये बताएं कि ये तो जो डिसीजन है इसे इंप्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा। डिसीजन मेकर्स हैं, वो जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने ये फैसला करना था इसको मुंतकिल करने का, जी हां, वो जिम्मेदार हैं। इस पे तो जिम्मेदारी आयद करना इतना मुश्किल काम नहीं है। कल डॉक्टर इसरार साहब का जो मदरसा साथ है उनके भांजे से मेरे ख्याल में लाइव कॉल हुई थी, उन्होंने कहा कि जी हम ये नोट कर रहे थे कि यहाँ पे इस तरह का ऑफिस है, और हमने बहुत दफा रेज किया ये इशू कि जी ये खतरा बन सकता है, स्टूडेंट्स हैं हमारे, और किसी ने उस पर कान नहीं धरा। और अब जब ये हो गया तो अब हर बंदा जब विजिट भी तो कर रहा है। हमेशा से ये तारीख रही है इस मुल्क की, जिस वक्त आपको वार्निंग दी जाती रहे, चाहे आपको 50 दफा दी जाए, चाहे 100 दफा दी जाए, आप पे असर ही नहीं होता। वंस द डैमेज हैज बिन डन, जब नुकसान हो जाए तो फिर ही आपको ख्याल आता है। नहीं, होश में भी आते हैं ना, एक दो दिन जब तक मामला फ्रेश है, जब तक मामला फ्रेश है। और विजिट सब करते हैं, आप ये नोट करें, तमाम विजिट करेंगे और कहेंगे जी बड़ा बुरा हुआ। तो आगे की क्या स्ट्रेटेजी, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा गौर तलब है, और आई एम श्योर जो हुकाम आला हुकाम है वो इस चीज पे जो है इफेक्टिव और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करें। प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक स्ट्रेटजी की जरूरत है, वही। अब इसमें अब इसको बल्कि हम इस तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अवाम, जब भी आपने कोई मसला हल करना हो तो मसाइल की तरफ नहीं, फिर आपको उसके सलूशन की तरफ जाना चाहिए। एक तो ये कि मैं उसके हल की तरफ देखूं, और दूसरी चीज ये कि फिर मुझे एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कि एक दफा अगर एक तर्ज का नुकसान हुआ है तो अगली दफा उस तर्ज का नुकसान ना हो, मुझे उसके लिए स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान साहब। से बातें और भी करनी थी, हल्का NA 1-2-3 में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन उस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में जिन गेस्ट को बुलाया है वो उस पर बात करेंगे। वो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तहरीक इंसाफ के आएंगे, और जमात इस्लामी के आएंगे। तो मियां साहब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी सामिया खान, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। जागो 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 जागो।